हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम एंटेना एंड वेव प्रोपगेशन की प्लेलिस्ट में हैं। ऑलरेडी हम बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। अब हम टाइप्स ऑफ एंटीना पर आ चुके हैं एंड टाइप्स ऑफ एंटीना में भी हमने लूप एंटीना एंड स्लॉट एंटीना ऑलरेडी देख लिया है। सो आई होप आपने वो वीडियोस देख ली होंगी। और अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ चुका है जो कि है हेलिकल एंटीना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एंटीना है। आई होप आप सब लोग ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देख रहे होंगे एंड लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है अबाउट द हेलिकल एंटीना। तो हेलिकल एंटीना को बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सबको ये डाउट है कि हेलिकल एंटीना होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। हेलिकल नाम से कुछ पता लगता है कि कुछ ये हेलिक्स जैसा स्ट्रक्चर है। तो अब मुझे डेमोन्स्ट्रेट करना हो तो ये स्ट्रक्चर देखिए, ये स्ट्रक्चर एक हेलिकल एंटीना को रिजेंबल करता है। ठीक है, एक वायर है जो एक हेलिकल टाइप में टर्न हो चुकी है, तो दिस इज हेलिकल एंटीना। ठीक है, ये हेलिकल एंटीना नहीं है। जब तक किसी भी वायर में कोई भी पावर सप्लाई नहीं जाएगी वो एंटीना की तरह रेडिएट नहीं कर सकता है। तो ऐसे ही किसी वायर को टर्न कर दिया इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, ये हेलिक्स स्ट्रक्चर है। ऐसे हमने वायर को टर्न कर दिया, उसके बाद इसमें हमने पावर सप्लाई दे दी, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही मिलेगी इसे, यहाँ से रेडिएशंस प्रोड्यूस होने लग जाएंगी। ठीक है, तो हेलिकल स्ट्रक्चर की क्या खास बात है जो ये इतना इंपॉर्टेंट है। ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एंड अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करता है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द हेलिकल एंटीना। ठीक है, तो ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एंड अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बेस बैंड सिग्नल पर ऑपरेट करता है। ओके, सो ये तो हो गई फर्स्ट खासियत। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। आप सब लोगों ने कोएक्सियल केबल देखी होगी। कोएक्सियल केबल में हमारे पास दो कंडक्टर्स होते हैं, एक आउटर कंडक्टर होता है और एक इनर कंडक्टर होता है। अब जो कोएक्सियल केबल का अगर आउटर कंडक्टर है, आउटर कंडक्टर को मैं ऐसे टर्न कर दूं, ये है मेरा आउटर कंडक्टर। ठीक है, ये भी है मेरा आउटर कंडक्टर। आउटर कंडक्टर को मैंने टर्न कर दिया तो ये हो गया मेरा आउटर स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड द ग्राउंड प्लेट। ठीक है, ये मेरी पूरी कोएक्सियल केबल चलती आ रही थी पीछे से। कोएक्सियल केबल के मैंने आउटर कंडक्टर को ऐसे टर्न करा है अपसाइड एंड डाउन साइड। और जो इनर कंडक्टर था, ये जो आपको रेड पार्ट दिख रहा है, मैंने क्या करा है, इनर कंडक्टर को इस हेलिक्स की शेप में टर्न कर दिया है। मैंने हेलिकल स्ट्रक्चर आपको दिखाया था, सेम यही स्ट्रक्चर है, यही इसी शेप में मैंने इनर कंडक्टर को टर्न करा है जिससे कि ये हेलिकल एंटीना बन गया है। तो ये है मेरा इनर कंडक्टर। ठीक है, तो अब मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिली अबाउट द स्ट्रक्चर। द आउटर कंडक्टर इज टर्न्ड इनटू द फॉर्म ऑफ ग्राउंड प्लेट। आउटर कंडक्टर को डायरेक्टली 90 डिग्री पे टर्न कर देंगे तो हमें ग्राउंड प्लेट मिल जाएगा। इनर कंडक्टर को कैसे टर्न करा, इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। तो हेलिक्स शेप में हमने इनर कंडक्टर को टर्न करा है। ठीक है, इनर कंडक्टर को हेलिक्स शेप में टर्न करा, आउटर कंडक्टर को ग्राउंड प्लेट के टर्म्स में फोल्ड कर दिया। ठीक है, तो अब ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को डिटेल में एनालाइज करते हैं कि ये स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, तो इस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर के डिजाइनिंग पैरामीटर क्या होंगे। लेट सपोज मुझे कोई पर्टिकुलर रेडिएशन चाहिए इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, आप पर्टिकुलर हाफ पावर बीम विड्थ चाहिए, पर्टिकुलर फर्स्ट नल बीम विड्थ चाहिए। ठीक है, तो मैं उसे कैसे डिजाइन करूंगी, कितने लूप्स होने चाहिए उस हेलिक्स में। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि कितने लूप्स होने चाहिए, कितना बड़ा लूप होना चाहिए और हमें कितना बड़े एरिया में इस लूप को फैलाना है। बहुत सारी चीजें हैं तो हमें डिजाइनिंग के ऊपर बहुत ध्यान रखना है। तो डिजाइनिंग के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर है क्या,
कैसा दिखता है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम स्ट्रक्चर को देखें तो डी क्या है, इधर डायामीटर ऑफ हेलिक्स फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, यहां से लेकर और यहां तक, ये पार्ट डी है, डायामीटर ऑफ हेलिक्स है। इसके बाद आ जाते हैं सी, सर्कमफेरेंस ऑफ हेलिक्स। सी क्या होएगा, सी होता है 2πr। इसे अगर मैं डायामीटर के फॉर्म में लिखूं, डायामीटर पता है मुझे, डायामीटर होता है 2 × r डायामीटर होता है, ये तो सभी को ही पता है। तो यहाँ 2 और r को d से रिप्लेस कर देंगे तो सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, πd। तो ये हो जाएगा मेरा सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या है हेलिक्स का, ये हो जाएगा πd। डी मैंने अभी आपको बता दिया क्या होता है। उसके बाद आ जाते हैं एन पर। एन है नंबर ऑफ टर्न्स, कितने हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। ये सब चीजें हम क्यों जान रहे हैं, क्योंकि हमें डिजाइनिंग पैरामीटर्स देखने के, कैसे डिजाइन करेंगे हम। इक्वेशंस देखेंगे कि पर्टिकुलर हाफ पावर बीम विड्थ के लिए कितना एन होना चाहिए, कितना हमारे पास डायामीटर होना चाहिए। तो उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि पैरामीटर्स है क्या क्या, ठीक है। उसके लिए उसके बाद आ जाते हैं हम एल पे। एल क्या है, स्पेसिंग ऑफ हेलिक्स फ्रॉम ग्राउंड प्लेट। तो यहाँ पर ग्राउंड प्लेट से जहाँ तक हेलिक्स स्टार्ट होता है, ये है मेरा एल, ठीक है। तो अब एल समझ आ गया होगा। उसके बाद आ जाते हैं ए से, ए पे। ए क्या है, एक्सियल लेंथ, जो भी हमारा हेलिकल स्ट्रक्चर है उसकी लेंथ। तो ये है हमारा ए, यहाँ से लेकर यहाँ तक है हेलिकल स्ट्रक्चर। तो ये पूरा जो लेंथ है, ये है एक्सियल लेंथ, ठीक है। एक्सियल लेंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। उसके बाद आ जाते हैं कैपिटल एल पे। कैपिटल एल है लेंथ ऑफ वन टर्न, ठीक है। तो अब लेट सपोज मैं इस टर्न की बात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ से स्टार्ट होऊंगी और मैं ये पूरा टर्न देखूंगी और मैं यहाँ पर एंड होंगी। तो ये जो पूरी डॉटेड लाइन है, ये पूरी लेंथ बताती है कि एक टर्न की कितनी लेंथ है, ठीक है। अब क्या है अल्फा, अल्फा है पिच एंगल। एक मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर बना लिया कोई भी टर्न पर, और एक मैंने यहाँ पर टेंजेंशियल कंपोनेंट बना लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा एल, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा एस, ठीक है। इसी को ही हम यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। ये है मेरा एल, ये है एस, ये है सी। सी क्या होता है, पाई डी, ठीक है। तो यहां पर ये जो एंगल यहां बनेगा, दिस एंगल, ये एंगल होता है हमारा पिच एंगल, जिसे हम बोलते हैं अल्फा। तो यहां पर हो जाएगा ये हमारा अल्फा, अल्फा है पिच एंगल। चलो एनालाइज करते हैं स्ट्रक्चर को। तो यहां पर ये मेरा 90 डिग्री एंगल है, तो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहां पर एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट पाई डी स्क्वायर, सॉरी यहां पर अंडर रूट नहीं रहेगा, पाई डी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा अंडर रूट पाई डी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। अब पिच एंगल पे आ जाते हैं। पिच एंगल क्या होएगा, अल्फा, अल्फा क्या हो जाएगा, टेन ऑफ अल्फा देखते हैं पहले स्ट्रक्चर में। टेन ऑफ अल्फा क्या होएगा, टेन ऑफ अल्फा क्या होएगा, परपेंडिकुलर क्या है, एस अपॉन पाई डी, ठीक है। तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा टेन इनवर्स एस अपॉन पाई डी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एस। एस इधर क्या है, एस है स्पेस बिटवीन टू हेलिक्स। तो यहां से लेकर यहां तक का ये एस है, ठीक है। तो अब टोटल अगर नंबर ऑफ टर्न्स है एन और स्पेस बिटवीन वन टर्न टू अनदर टर्न इज एस, तो एक्सियल लेंथ क्या हो जाएगा, ठीक है, एक्सियल लेंथ हो जाएगा एन इंटू एस। तो एक्सियल लेंथ हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड विद द स्पेस बिटवीन द टू टर्न्स, ठीक है। तो ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए आपको कि ए क्या है, ठीक है, और अल्फा क्या है। नाउ अब आ जाते हैं, अल्फा अगर वेरी करता है, तो जैसे जैसे अल्फा वेरी करेगा वैसे वैसे हमारा हेलिकल एंटीना का स्ट्रक्चर वेरी करेगा। दो एक्सट्रीम्स ले लेते हैं, अल्फा को जीरो पुट करो। अल्फा जैसे ही जीरो हो जाएगा, यहाँ पर हम कह सकते हैं एस अपॉन पाई डी इज जीरो, विच मीन्स एस इज जीरो। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, अगर एस जीरो हो जाता है तो अल्फा ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। एस जीरो है मतलब स्पेसिंग बिटवीन टू टर्न्स इज जीरो, विच मीन्स ये हेलिकल स्ट्रक्चर जो ऐसा स्ट्रक्चर था, ये कंप्रेस होकर बिल्कुल एक पॉइंट पर आ गया है। तो उस केस में क्या हुआ, ये हेलिकल नहीं रह गया, ये एन टर्न का सर्कुलर लूप बन गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर्कुलर लूप ऑफ एन टर्न।
ठीक है, नेक्स्ट केस ले लेते हैं। नेक्स्ट केस में एक और एक्सट्रीम ले लिया, अब हमने ले लिया अल्फा 90 लिया, तो 10 ऑफ 90 क्या होता है? इन्फिनिटी, ये हम सब जानते हैं। तो इस केस में क्या होएगा? इस केस में हम कह सकते हैं एस इन्फिनिटी है, ठीक है। एस इन्फिनिटी मतलब स्पेसिंग दो टर्न्स के बीच में इन्फिनिटी है, विच मीन्स दो टर्न्स के बीच में अगर स्पेस ही नहीं है तो मतलब स्पेस इन्फिनिटी, मतलब कि वो लीनियर वायर एंटीना बन गया है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? लीनियर वायर एंटीना। ठीक है, नाउ इन दोनों के बीच का केस, जब अल्फा हमारा 0 से 90 के बीच में रहेगा, अल्फा 0 से 90 के बीच में रहा तो इस केस में ये हेलिकल एंटीना होगा, नो डाउट। अब ये हेलिकल एंटीना दिखाएगा हमें। ओके, तो अब आ जाते हैं डिजाइनिंग पर। अभी तक हमें पता लग गया है कि सारे पैरामीटर्स होते क्या है। डिजाइनिंग से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ, हेलिकल एंटीना को हम यूज कहाँ कर रहे हैं? जहां पर भी हमें सर्कुलर पोलराइजेशन चाहिए होती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। हेलिकल एंटीना इज ऑलवेज गिविंग मी सर्क्यूलर पोलराइजेशन, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा कि हेलिकल एंटीना से मुझे सर्कुलर पोलराइजेशन मिल रहा है। आ जाते हैं डिजाइनिंग पे। डिजाइनिंग में मुझे पता है अगर मुझे कोई भी डायरेक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्टिविटी के लिए मुझे डिजाइन करना है एंटीना, तो डायरेक्टिविटी होता है 15 ns c² / λ³। लैमडा क्या है? वेवलेंथ। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। एस क्या है? स्पेसिंग बिटवीन टू टर्न्स। सी क्या है? सर्कमफेरेंस, जो कि है इक्वल टू पाई डी। अब आ जाते हैं आर इन पर। आर इन क्या है? इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस क्या होएगा? 140 c/λ। सी हमें पता है सर्कमफेरेंस, लैम्डा हमें पता है वेवलेंथ, 140 इज अ कांस्टेंट। AR, AR क्या है? एक्सियल रेशो। एक्सियल रेशो होगी इक्वल टू 2n + 1/2n। n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। हाफ पावर बीम विड्थ। हाफ पावर बीम विड्थ भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके अकॉर्डिंग हम अपना एंटीना डिजाइन कर सकते हैं। हाफ पावर बीम विड्थ होगा 52 c/λ √ns/λ। सी क्या है? सर्कमफेरेंस, लैम्डा वेवलेंथ एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। एस स्पेसिंग बिटवीन टू टर्न्स, लैम्डा वेवलेंथ। कमिंग टू द फर्सनल बीम विड्थ। फर्सनल बीम विड्थ हो जाएगा 115 c/λ √ns/λ। बस ये पैरामीटर चेंज हुआ, यहाँ पर 52 था, यहाँ 115 है। तो इन सब इक्वेशंस को मिलाकर हम ये एंटीना डिजाइन कर सकते हैं फॉर आर रिक्वायर्ड कंडीशंस। मेरे को रिक्वायर्ड कंडीशंस हो सकती हैं कुछ भी। लेट सपोज मुझे पर्टिकुलर डायरेक्टिविटी चाहिए, पर्टिकुलर हाफ पावर बीम विड्थ चाहिए, पर्टिकुलर फर्सनल बीम विड्थ चाहिए, तो उसके लिए मैं इक्वेशंस यूज करूंगी एंड आई विल बी गेटिंग द डिजाइनिंग कंडीशंस। मुझे एन पता लग जाएगा, मुझे एस पता लग जाएगा एंड आई कैन डिजाइन माई हेलिकल एंटीना। कमिंग टू द मोड्स ऑफ रेडिएशन, देर आर टू मोड्स ऑफ रेडिएशन, नॉर्मल मोड एंड द एक्सियल मोड। तो दोनों मोड कैसे डिफर करते हैं? जो भी हम डिजाइनिंग कर रहे हैं, डिजाइनिंग के ऊपर ही दोनों मोड डिफर करते हैं। फर्स्ट कंडीशन है नॉर्मल मोड की कि एन एल इज लेसर देन लैम्डा। एन एल मतलब टोटल लेंथ। ओके, सो टोटल लेंथ ऑफ द वायर दैट वी आर यूजिंग इट इज लेस देन द लैम्डा। लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड वी आर डीलिंग इन किस लैम्डा पे डील कर रहे हैं? हम वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एंड अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी पे डील कर रहे हैं, तो उसके लिए लैम्डा बहुत छोटा हो जाएगा। जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, लैम्डा बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। तो इस केस में लैम्डा ऑलरेडी डिक्रीज है, तो एन एल उससे भी बहुत छोटा है, विच मीन्स हमारा हेलिकल एंटीना बहुत छोटा है इन नॉर्मल मोड, ठीक है। और द सेकेंड कंडीशन इज डी इज वेरी मच लेस देन लैम्डा। डी तो हमें पता है डायामीटर है, डायामीटर भी लैम्डा से बहुत छोटा होगा। एक्सियल रेशो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन थीटा डायरेक्शन अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन फाई डायरेक्शन, विच विल बी इक्वल टू 2s λ / π/d², ठीक है। अब एक्सियल रेशो को जीरो पुट करेंगे, तो एक्सियल रेशो को जीरो कब पुट करेंगे? जब हमारा एस जीरो आ जाएगा, ठीक है। इस केस में हमें हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन मिलता है। ठीक है, अब अगर मेरा एक्सियल रेशो इन्फिनिटी है, उस केस में अगर मेरा डी जीरो है तो एक्सियल रेशो इन्फिनिटी आ जाएगा एंड मेरे पास क्या होएगा? वर्टिकल पोलराइजेशन। ठीक है, अब एक्सियल रेशो की लास्ट कंडीशन देख लेते हैं। एक्सियल रेशो 1 है, विच मीन्स
2s lambda upon pi d square is equal to 1, तो 2s lambda क्या हो जाएगा? pi d square के equal. pi d क्या था? c. तो 2s lambda is equal to c square. तो c क्या हो जाएगा? c हो जाएगा under root 2s lambda. ठीक है, अगर मुझे d की टर्म्स में निकालना है, c क्या है? c है हमारा pi d. pi d क्या है? टू अंडर रूट 2s lambda. तो d क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2s lambda अपॉन pi. तो ये सब कंडीशंस हैं मेरे नॉर्मल मोड के लिए. नॉर्मल मोड में हमारा तीन कंडीशंस हो जाएंगी एक्सियल रेशो की. एक्सियल रेशो जीरो है, एक्सियल रेशो इन्फिनिटी है एंड एक्सियल रेशो वन है. तीनों के केस में मैंने आपको पैरामीटर्स बता दिए हैं. ठीक है, अब नाउ नॉर्मल मोड. नॉर्मल मोड का अगर मुझे रेडिएशन पैटर्न ऑब्जर्व करना हो, तो लेट्स सपोज ये मेरा एंटीना है, हेलिकल एंटीना है. यहाँ पर ये मेरे एक्सिस ऑफ हेलिकल एंटीना, ये है मेरी एक्सिस. लेट्स सपोज ये एक्स एक्स डैश डायरेक्शन है, तो एक्स 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 डैश को क्या बोलूंगी मैं? एक्सिस ऑफ हेलिकल एंटीना. तो जो मेरी रेडिएशंस आएंगी वो परपेंडिकुलर आएगी. ये मेरी रेडिएशन है. ठीक है, ये अपर हाफ और लोअर हाफ में इक्वल होंगी. यहाँ पर स्पेस कम था तो आपने देखा यहाँ पर अपर हाफ में थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, बट ऐसा नहीं है. दोनों अपर हाफ और लोअर हाफ में इक्वल रेडिएशन आएंगी और एक्सिस के परपेंडिकुलर रहेगी नॉर्मल मोड में. अब आ जाते हैं एक्सियल मोड. एक्सियल मोड में क्या है कंडीशन? है कि जो सी है, सरकमफेरेंस है, वो लैम्डा की इक्वल है. प्लस एक और कंडीशन है कि जो अल्फा है, अल्फा क्या था हमारा? पिच एंगल. वो 13 से 14 डिग्री के बीच में होना चाहिए, विच मीन्स सी अपॉन लैम्डा इज इन बिटवीन 3/4 एंड 4/3. 3/4 से c by lambda बड़ा होना चाहिए और 4/3 से छोटा होना चाहिए. तो यहाँ पर एक्सियल मोड में हमारा एंटीना वर्क करेगा. इसके लिए जो रेडिएशंस रहेंगी वो ऑन द एक्सिस रहेगी. तो इस केस में ये ले लेते हैं, ये है मेरा एक्स डैश, एक्स है, ये मेरी एक्सिस है. अब ये जो रेडिएशंस रहेंगी वो ऐसी दिखेंगी. ठीक है, तो ये मेरा एक्सियल मोड की रेडिएशंस है. कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोनों में. ओके, अब आ जाते हैं मेरिट्स पर. मेरिट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सर्कुलर पोलराइजेशन. मैंने आपको बताया था कि हेलिकल एंटीना इज गिविंग मी सर्कुलर पोलराइजेशन. तो इसका बहुत ही अच्छा एडवांटेज है कि इसको हम स्काई वेव प्रोपोगेशन में यूज़ कर सकते हैं. अगर आपने अभी तक वेव प्रोपोगेशन वाली यूनिट नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं स्काई वेव प्रोपोगेशन होता क्या है. ठीक है, तो सर्कुलर पोलराइजेशन देता है, तो इससे हम बहुत ही ईजिली स्काई वेव प्रोपोगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं एंड वी कैन डू द बेसिक कम्युनिकेशन विद दिस एंटीना. उसके बाद इसकी बैंडविड्थ बहुत बड़ी है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. बैंडविड्थ मतलब कितनी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जिस पर ये एंटीना वर्क करता है ईजिली. ठीक है, एंटीना का वर्किंग खराब नहीं होएगा बहुत ज़्यादा रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज पर. तो ये बहुत ही अच्छा एंटीना है बिकॉज हम बहुत सारे रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी पर इसे ऑपरेट करा सकते हैं. अच्छे रिजल्ट्स देगा बहुत ज़्यादा रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी पे. बैंडविड्थ इसका बड़ा है, वाइड बैंडविड्थ है. सिंप्लिसिटी बहुत सिंपल है. एक बार डिज़ाइन हो गया उसके बाद इसे ऑपरेट कराना बहुत ईजी है. हाई डायरेक्टिविटी विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड पैरामीटर, क्योंकि जितनी ज़्यादा डायरेक्टिविटी होगी बीम उतने कम एरिया में श्रंक रहेगा और बीम जितना कम एरिया में फैला रहेगा विच मीन्स कि उतना दूर जाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन ईजी हो जाएगा एंड इसीलिए इसे टेलीमेट्री ऑपरेशंस में यूज़ करते हैं. लास्ट इज रेडियो एस्ट्रोनॉमी. ये सब इसके ऑपरेशन से कहाँ कहाँ ये यूज़ आता है. आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हेलिकल एंटीना होता क्या है. कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो जाइए कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिए एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई टू यू टू सॉल्व योर क्वेरीज. एंड अगर मेरे से टाइमली आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं हो रही है तो आप मुझे अदर सोशल मीडिया साइट्स पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं एंड यू कैन रीच आउट टू मी एंड यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस देयर. ओके, सो आई होप यू लाइक दिस सेशन. अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच.